तवा चिकन का चंगेजी चिकन है, दाल मखनी है 60 रुपीज़ की। लो जी दोस्तों, आज मैं आया हूँ ताज चिकन पॉइंट के ऊपर, जिनका दाल मखनी, तवा चिकन, चिकन चंगेजी और शाही पनीर बहुत फेमस है। मैं आज ये 3 से 4 चीज़ें टेस्ट करूँगा और दिखाता हूँ आपको बनाते कैसे हैं। मेरे लेफ्ट हैंड पे जो है डिलाइट सिनेमा है तुर्कमान गेट का, और इस साइड तुर्कमान गेट है, ये आसिफ अली रोड है, और आप सीधे यहाँ से मेट्रो स्टेशन भी आधा किलोमीटर दूरी पर है, आप मेट्रो से आना चाहें तो दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन भी है। चलिए देखते हैं और फूड टेस्ट करते हैं। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे आप पुरानी दिल्ली में, दिल्ली 6 जामा मस्जिद के एरिया में, आप कहीं पर भी आपको कोयले का तंदूर नहीं मिलेगा। सबके पास गैस के तंदूर हैं, और इनके पास अगर आप तंदूरी चिकन या मलाई चिकन खाते हो तो ये कोयले पे बना हुआ मिलेगा आपको, और कोयले का टेस्ट तो आप जानते ही हो कैसा होता है। और दोस्तों ये इनकी दाल मखनी बन रही है, जो बहुत ही फेमस है यहाँ की, बहुत मशहूर है। चिकन के साथ साथ टक्कर देती है दाल मखनी इसको। और इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, इसमें क्रीम ऐड कर दी है इन्होंने। और आपको मैं दिखा दूँ, ये दाल मखनी का तवा है जहाँ पे बिल्कुल वेज वालों के लिए बिल्कुल अलग रहती है, और इधर जो है इनका ये सारा नॉन वेज का सेटअप है जहाँ पे इनका नॉन वेज है। तो जिन्होंने वेज खाना है वो आराम से खा सकते हैं, क्योंकि इनका सेटअप अलग है बिल्कुल वेज और नॉन वेज का। ये साबुत लाल मिर्च, साबुत हरी मिर्च डली हुई है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। अभी इसे टेस्ट भी करेंगे हम, और मैं आपको इसका रेट भी बताता हूँ कि क्या है इनका। ये बटर नान दोस्तों, बहुत आपने शाही पनीर खाया होगा, मटर पनीर खाया होगा, ये पनीर चंगेजी है। चलिए बात करते हैं ताज भाई से। ताज भाई, आपकी टाइमिंग क्या क्या है यहाँ की? हमारी 6 to 11 है इवनिंग में। हाँ, इवनिंग में। और आपका रेट क्या है तवा चिकन का, दाल मखनी चिकन का? हमारा दाल मखनी 60 रुपए की है क्वार्टर, हाफ 120 की है, और क्वार्टर चंगेजी हमारा 160 का है, हाफ 300 का है। तवा चिकन क्वार्टर 180 का है, 180, और 320 का हाफ है। ये कितना पुराना है आपका रेस्टोरेंट? ये तकरीबन 20 साल हो गए इसको। और आप ऑनलाइन भी देते हैं? जी, स्विगी जोमेटो पे भी देते हैं, और हमारी अपनी जो है अपनी 2-3 गाड़ियाँ लगी हैं जो पर्सनली भी देते हैं। और ये तवा चिकन बन रहा है, इन्होंने तेल और ज़ीरा डाल दिया है इसमें, और ये पहले से बना के रखा हुआ है इन्होंने। अनियन दिख रहा है मुझे, शिमला मिर्च दिख रही है, और टमाटर है, और ये ग्रेवी ऐड कर दी है इन्होंने इसमें। अच्छा, और अब इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। चिकन पहले से रोस्ट किया हुआ है इन्होंने। थोड़ा तेल और ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे खाना जो है नंबर से मिलता है, आप जैसे आओगे आपको जो है पर्ची दे दी जाएगी, और आप जैसे नंबर आएगा उसी नंबर से बोल के। यहाँ शोर बहुत है क्योंकि भीड़ बहुत है, रश लगा रहता है इनके पास। अभी इसे टेस्ट भी करेंगे।
बहुत बढ़िया से खुशबू आ रही है, अलग आ रही है इसकी खुशबू थोड़ा सा। और ये फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं इसमें, बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से। ये हल्दी है ये, हाँ इसमें हल्दी ऐड की है अभी। गरम मसाला, ये गरम मसाला। अच्छा ये आपका अपना मसाला है? अच्छा ये इनका स्पेशल मसाला है इसमें जो ऊपर से डाला है। जिंजर, कोरिएंडर, हरा धनिया, और ये रेडी है बिल्कुल। चलिए अभी इसे टेस्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखो दूर से दूर तक सिर्फ आपको इनके पास रश ही मिलेगा और काफ़ी रश रहता है इनके पास। आप जब भी यहाँ पे खाना खाने आओ तो आप ये सोचो आधे घंटे से 20 मिनट का आपको टाइम लगेगा। दोस्तों ये इनका बहुत मशहूर और फेमस है यहाँ का ताज चिकन पॉइंट का, ये है चिकन चंगेज़ी। 160 रुपए का हाफ है जो दो लोगों के लिए सफिशेंट है, बहुत अच्छी क्वांटिटी है। इधर आप देखें ये दाल मखनी है 60 रुपीस की, दाल मखनी अमूल बटर के साथ, इतनी सारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और इनकी दाल अभी टेस्ट भी करेंगे, मैंने बहुत नाम सुना है तभी आज मैं आया हूँ इनके पास। और ये है इनका तवा चिकन, 180 का है, मेरे हिसाब से दो लोग भी नहीं खा पाएंगे, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है ये। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। चलिए दोस्तों आज मैं पहले ट्राई करूंगा ये बटर नान है और मैं दाल मखनी से टेस्ट करूंगा। सच में बहुत अच्छी दाल है और आप यकीन मानो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी दाल होगी इनकी। अगर आप कंपेयर करो तो ये किसी चिकन से और दूसरी डिश से आप कंपेयर कर सकते हो, बहुत अच्छी दाल मखनी है और प्राइस भी बहुत कम है, 60 रुपीज़। और ये है इनका बहुत जो फेमस बता रहे हैं, ये मैंने पहले यहाँ पे टेस्ट नहीं किया है तो अब मैं टेस्ट करता हूँ इनका तवा चिकन है ये। चलिए फर्स्ट बाइट तवा चिकन की लेता हूँ मैं। अच्छा फर्स्ट बाइट मुंह में जाते ही पता लग जाता है कि टेस्ट कैसा है। इनके अंदर भी सीटिंग है, वहाँ बैठ के मैं आराम से खा सकता था पर बोलने से दूसरा कोई डिस्टर्ब ना हो और मैं आराम से आप लोगों को बता सकूँ, इस वजह से मैं बाहर खा रहा हूँ अपनी बुलेट के ओवर ही लगा के। और ये है चिकन चंगेज़ी, मैंने काफ़ी जगह का चंगेज़ी खाया है, उसमें खटास होती है पर इनके चंगेज़ी में खटास नहीं है, काफ़ी अच्छा चंगेज़ी है। और तीनों डिश बहुत अच्छी हैं, आप आओ यहाँ पे आके फूड ट्राई करो, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे क्योंकि खाना बहुत अच्छा है। दोस्तों ये वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ कि जामा मस्जिद के अलावा भी दिल्ली में बहुत सारी जगह हैं, दिल्ली 6 के अंदर, जहाँ पर बहुत टेस्टी और अच्छा खाना मिलता है। आप यहाँ पर आओ, अपनी गाड़ी से आप आके खाना खा सकते हो यहाँ पे। हमारा ये चैनल पसंद आए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।